पाजी सकरे सकरे चले आओ बस, जावरा गांव है, पंचायत लगी है पाजी, हुक्का भी चला जा रहा है, लेकिन पाजी इस धूप में जो कि हल्की हल्की मंदम बढ़ रही है, जावरा गांव में चर्चा बहुत ज़बरदस्त है। प्रधान जी सामने बैठे हैं पाजी, गांव की रोज़ बात होती है, आगे गांव में होने लगी बातचीत, तो प्रधान जी कैमरा ना तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, समस्या क्या है, क्या परेशानी है? समस्या ये है, यहाँ के सब पूरे क्षेत्र के किसान आवारा गाय और सांडों से बहुत परेशान है। पूरी रात वहाँ पर पहरा देते हैं, आवारा गाय सांड सुअर और नील गाय वगैरह ये फसल को बर्बाद कर रहे हैं। कोई भी किसान अच्छा, भाई बता प्रधान जी, ये अभी हो गए या पहले ही ऐसे चल रहा था? पहले तो थे, लेकिन उनकी न जाने कहाँ सप्लाई होती थी ये पता नहीं है, लेकिन अब ये किसान तो आप हैं, क्या आपका बछड़ा आपकी गाय तो आप ही को मालूम होगा, और किसको पता होगा? नहीं, ये बछड़े इतने नहीं थे पहले, अब न जाने कहाँ से आ गए ये पता नहीं है। गाय तो ये थी, सब लोग अपने बांधते थे, लेकिन अब न जाने कहाँ से इकट्ठी हो गई पता नहीं है ये। तो नौजवान क्या कर रहा है आजकल? नौजवान खेत में लाठी लेके एकदम तस्तैना बैठा हुआ है, और कोई भी योगी सरकार ने यह कहा था कि कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, ये उसने करके दिखा दिया है। किसान मतलब जो नौजवान है वो लाठी लेके 11-12 बजे तक बिल्कुल पेरे पे बैठा हुआ है, तो कोई भी बेरोजगार खेत में, हाँ अपने खेत में, और बेरोजगार कोई बेरोजगार नहीं है, कोई युवा बेरोजगार नहीं है, जो वादा किया था सरकार ने कि कोई युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, तो अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरा कोई युवा बेरोजगार नहीं है। रात को 12 बजे तक वो गाय और सांड रखाता है, पड़ेगा कौन से टाइम, हम तो समझ ही नहीं पाए थे। पाजी ये मथुरा और वृंदावन और ब्रज का इलाका है, जरा कान इधर घुमा के पकड़ते हैं ये लोग, और जब पकड़ते हैं तो हिलाते हैं दो चार बार ऐसे ऐसे, तो हिला दिया उसने, तो सब सबको रोजगार मिल गया। हाँ, सबको रोजगार मिल, क्या रोजगार मिला है? लाठी लेके मेड़ पे बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं 12 बजे तक, यही बेरोजगार, यही है रोजगार, और क्या है, अपनी खेतों की रक्षा कर रहे हैं बिल्कुल, और क्या, और कोई भी पढ़ाई नहीं हो पाती है समय से। तो पाजी ये जो जानवरों की समस्या है, और ये एकदम से बढ़ गया, आप बता रहे पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा बढ़ा है? हाँ, अभी कुछ वर्षों में बढ़ा है, पिछली साल थे, पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी इनकी सालों की, 2-3 साल से बढ़ गया। मैं आ गया। हाँ जी 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 जी, 2-3 साल से पड़े हो साहब, पहले जो बिक्री होती रहती बछड़न की, हाँ। वो बिल्कुल बिक्री बंद कर दी सरकार ने, हाँ। और गौ पे राजनीति है रही है, गौ पे राजनीति है रही है, हाँ, गौ पे राजनीति है रही है, हाँ। और गौ रक्षा का मन चाह जाए मारो, हाँ। मन चाह जाए हत्या करो, कछु करो, कोई कछु ना आरो, इंस्पेक्टर मार दो, गुआ की जांचना है रही, और गौ रक्षा के नाम पे 4 निर्दोष पकड़ के जेल में सूच दे। अप्पा जी ये गाँव है, देखिए सच्चाई एकदम सामने खड़ी, मुंह बाय खड़ी है, कह रहे हैं ये, और वो भी ब्रज का इलाका, गाय गाय यहाँ पे गाय इससे ज्यादा कहीं पूजी नहीं जाती, लेकिन मोहताज होना पड़ेगा देश को, क्यों यही समस्या चलती रही तो क्या होगा, फिर कोई पेड़ को पकड़ के बैठे रहेगा, पेड़ को पकड़ के बैठा रहेगा, यही समस्या चलती रही तो क्या होगा, फिर अन्न के लिए मोहताज होना पड़ेगा, 130 करोड़ जनता के लिए कोई हाल ही पैदा हो रहा है, 130 करोड़ जनता के लिए कोई हालिया पैदा हो रहा है, गाय आवारा सांड सुअर ये सब फसल को बर्बाद कर रहे हैं, फसल को बर्बाद कर रहे हैं। पाजी आज ये लोग यहाँ पर बैठे थे, चर्चा हो रही थी कि कैसे गांव में ये जो जानवर हैं बढ़ गए हैं, कैसे इससे निपटारा पाया जाए, पाजी पता चला तो चले आए चुपके से, हम भी चला था सुन ले चले, हो रहा गाय जी, ब्रज की पूज्य नहीं हो रहे गाय, हाँ वही तो ब्रज के इलाके में गाय की दिक्कत क्यों साहब, हमारी घरवाली को पेट में सिंग गढ़ा दिया गाय ने, सांड ने, और इतना हमारी खुद घरवाली के 12 टांकन आए यहाँ 1 महीने पहले। हाजी 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 भाई साहब, आज मैं आ गया बाबूजी आ गया, अरे अरे हाजी सांड खाए चले, गाय तो बहुत थोड़ी है, गाय और बछिया, सांड बहुत ज्यादा, सांड खा रहे और 2400 घंटा निकल जाता है, रखावत ही रखावत, 1 मिनट निकलिया हमें तो खेत साफ, खेत साफ। पाजी उत्तर प्रदेश का ये ब्रज का इलाका, वो देखो ब्रज के इलाके में जो आज बातचीत हो रही है सब उधर भी बराबर देखा जा रहा है, ये मैं पूछ लूंगा बिल्कुल बात से, आ जाइए अंदर आ जाइए बैठिए, आ जाइए ये तक में आइए बैठिए आके, पाजी इधर आओ, तो ब्रज के इलाके में नौजवान भी बैठे हैं, गांव के बुजुर्ग भी बैठे हैं, और चर्चा हो रही है कि जानवरों की समस्या बड़ी हो गई है, क्यों साहब? हाँ जी समस्या तो किसान को बहुत और काफी है, हाँ किसान की समस्या तो बहुत सारी है, पर सबसे बड़ी समस्या जे आवारा पशु, आवारा पशु, आवारा पशु, और बिजली का बिल, अब बिजली का, बिजली का बिल, हाँ तो अभी हम बिजली के बिल पे आ रहे हैं, तो बिजली तो मिल रही है ना, बिजली मिल रही है, कट जाती है कहूँ ना, टाइम पे मिलती ना हमें,
1200 से 2200 रुपए बिलो हुए महीने में, 1200 से 2200 रुपए, हाँ एक डेढ़ साल में, अभी एक डेढ़ साल में, हाँ 1400 रुपए का, 1400 रुपए को डीएपी पहले 900 रुपया मिल चुका, 1400 मिल लो, 1400 रुपए पहले तो वो कह रहे थे कि वो क्या खाद के लिए लाइन लगती थी और लाठी पड़ती थी किसान की। हाँ जी बाबूजी, खूब मिल लो खाद पहले पर गया, अब पीछे आई का समस्या क्या, 30 रुपया तो यूरिया सर अपने यहाँ तेज है यूपी में, और राज्य 30 रुपया महंगा अपने यहाँ यूरिया, यूरिया महंगी है तो 1400 रुपए की डीएपी पड़ रही है, 1450 की दे रहे हैं। अच्छा डीएपी में भी ब्लैक चल रहा है, कमी दिखाया के ज्यादा बेच लेते हैं। हाँ जी सही बात है, जी हाँ सही बात, जीएसटी लगा के लेते हैं 1450 रुपया, 1450 रुपया। हाँ जी, तो सवाल ये है कि अभी जानवरों से बात शुरू हुई थी पाजी, और गाय सांड ये तो है ही है समस्या, उक्का गुड़गुड़ाए रहो गुरु जी बस। खूब चल रहा उक्का कहा करे, रात और बैठे रहना खेतों पे लगे और जाए तो जी रहे, जे उक्का न हो तो सो जाएंगे, वहां फिर जाए सहारे तो बैठे गैयन रखा रहे, अपने खेतन को गैयन से रखा रहे हैं। साणंदे गैया कहाँ है, साण छोड़वा दे योगी मोदी ने। क्या बात है, योगी मोदी ने उन्हें जी नहीं बिक्री शुरू है जाए ना तो किसान है कोई परेशान है नहीं, दो सालों में ऐसा समय आवे कि खेती छोड़नी पड़े किसान। हाँ जी गौशाला खुलवा दिया है, हाँ जी ब्लॉक तहसील स्तर पे ये सरकार दोनों केंद्र और सरकार गौशाला खुलवा दे, किसानों कोई दिक्कत नहीं होगी। गौशाला का ही खुलवावे को तो गंगा जमुना में लगा रही है पैसा है, जब इतना पैसा किसान ने गौशाला में लगा दे तो किसान बच जागो, किसानों तो नाम ही ना है वहाँ दिया कोई पैसा बाजार है। तो गौशाला खुलवा दी जाए, ये ही एक सुझाव है कि अगर गौशाला खुलवा दी जाए तो कुछ थोड़ा सा भला। जी हाँ जी गौशाला खुलवा जाएगा तो बढ़िया, कोई सुझाव बनाती काई पशु मरेंगे काई किसान मरेंगे। तो किसान कह रहा है कि दो साल में ये गांव की स्थिति होने वाली है, 8500 करोड़ वो पटेल साहब की मूर्ति बनवाई है गुजरात में, जी जी और यहाँ योगी जी राम की बनवा रहे सरयू के किनारे, हाँ जी पैसा है जाम बर्बाद कर देंगे, किसान की सहायता नहीं करेंगे, किसानों तो नाम ही ना हो पाए, तो वो कह रहे हैं कि राम भी जरूरी है रोटी भी जरूरी है, एक जरूरी थे राम की मूर्ति तो घर घर है, राम है तो दुनिया मानती है, हाँ जी वृंदावन में मंदिर बहुत है, हाँ जी लेकिन किसान जब बर्बाद हो जाएगा तो पूजा किसकी करेगा भाई, किसान को कोई राम मंदिर से लेना देना नहीं है, ये सरकार ये सोच रही है कि राम मंदिर बन जाए जब हमें वोट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। किसानों के हित में बात होगी जब किसान उनको वोट देगा, जो किसान हित की बात करेगा उसी को वोट मिलेगा चाहे कोई भी सरकार हो। एक समस्या और सामने आएगी, हाँ जी जिस समय ये वोट मांगने के लिए आएंगे, अच्छा इनके 2019 है अब तो आ ही गए, बस 2019 में वोट मांगने के लिए आएंगे, हाँ। जहाँ इनका पंडाल बनेगा वहाँ साढ़ो रहेंगे, इनके साण ही इनके वोट डालेंगे, साढ़ के घुसा देंगे, साढ़ उनमें पांडालों में साढ़ दिखाई देंगे, आइए वहाँ अब तो कोई साढ़ में कोई मार दे कि इसने कर दिया हत्या कर दी। देखिए 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 बाबू जी, ऐसा की गाँव गौ रक्षा और गौ सेवा ये सब तो है ही नहीं। जब आप ये बताइए मेरे घरवाली के पेट फाड़ा मैं उसमें एक बल्लम मार दूं क्या मैं गुनाह करूं, मारेगा कि नहीं मारेगा आदमी, उसके लिए अपनी रखी आदमी करेगा कि नहीं करेगा, सांड मर गया गऊ मर गई तो वो हिंसक है, और आदमी मर जाए औरत मर जाए बच्चा मर जाओ, आदमी की कीमत कम है, कम है गाय, आज की दुनिया में आज सरकार में गाय की कीमत तो ज्यादा है, आदमी कीमत कम है, गाय मर जाए तो उस पर राजनीति हो जाती है, मुकदमे लग जाते हैं, आदमी मर जाए तो उस पर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है, और गाँवों में यही समस्या है कि जिस समय ये पांडाल में जब वोट लेने के लिए 2019 में आएंगे साणों का घेराव करके उनके पंडाल में दे दिया जाएगा, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, और रोको गांव वालों को कैसे रोकेंगे, उस समय इनको मालूम पड़ेगी, अब तो वो वहां बैठे हैं आराम से, वो उनको दिखाए हमने बहुत विकास कार्य, अरे विकास कार्य किए विनाश कार्य हो रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो चारागाह वगैरह और एक स्कीम लाए हैं गांव के लिए, और में खाली कागज में खाली कागज में यहाँ कचुना है तो वो धरती पर उतर के देख रहे ना है वो भाई तो वहाँ ऊपर ही बैठे कह रहे हैं मने मन में, भाई साहब बहुत नाराज हो क्या आप भी, तो आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। नहीं मैं क्या बोलूंगा, मैं बड़े बूढ़े बोल रहे हैं यही काफी है, गऊ हमारी बात है और हम हिंदू हैं गऊ को अच्छी तरह मानते हैं, मगर गऊ न होके सांड ही सांड है और सहन है जो खेती को खा रहे हैं, मरखने आदमियों को मार रहे हैं औरतों को मार रहे हैं बच्चों को घर से निकलना परेशान है, लेटरिन बैटरिन जाने में परेशानी आती है, ये है और क्या है, ये देश कृषि प्रधान देश है ना कि जापान, और जब कृषि नहीं रहेगी तो प्रधान क्या रहेगा, जब कृषि नहीं रहेगी तो ये देश कृषि प्रधान देश है, जब कहते हैं सब देश कृषि प्रधान देश है भारत,
जा पान तोरिया के टेक्निकल से काम चल जाएगा। किसान जो है खेती छोड़ने को तैयार है, जाते तो किसान पे खेती ले ले तो मजदूरी ले दे सब बाल का कम थे पेट पालन तो अंतरे हो या नुकसान थे तो गाय और बाजार सांड और हिरण फिरण कितने जंगली सुअर है। मतलब किसान जो है खेती छोड़ने के तैयार है 80% और भाजपा तो एक झूठी पार्टी है, सौ बात ने कोई एक आध बात साथ बोल ले तो जानो नहीं सब झूठू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी आगे आगे आज जी 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 कछू कर देते साहब कोई खरीद रहा है और नीचे बाप लोग देना पत्र मजबूर है के समर्थन मूल्य से नीचे चले जाता है। हाँ जी समर्थन मूल्य बाजरा को 1950 रेट दे रहे 1400 बिक रहे 1100-1200 बिक रहे सर। जी हाल है सर। अब बाजरे का समर्थन मूल्य क्या था? 1950 रुपये। अब बिका कितने में? 1100 में। 1100 रुपये क्विंटल और 1900-1950 का रेट रखा था सरकार ने और धान का 3500 का और बिक रहा 2200। आलू की ये स्थिति है। 360 रुपये इन्होंने कुंटल गई है जी। और 360 रुपये कुंटल और 360 रुपये कुंटल लागत पड़ रही साहब। तो बताओ वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी 350 में आलू की कीमत रखी है। बड़े ले रहे ना छोटे ले रहे ना गुआ ये लेंगे तमते बड़े बस मीडियम में लेंगे। तीन आलू की मतलब सरकार ने या यूपी सरकार ने आलू को रेट रखे हो 400 कछु रखे हो 350 ना है कुंटल है। हाँ कुंटल है और खरीदो का एक भाई एक आलू ना है। इतना बड़ा झूठो है इतना बड़ा झूठो है कि 100 बात कहता हूँ जब आधी बात सत्य नहीं करते हुई इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। हाँ जी भैया किसानों से कोई मतलब नहीं इन सरकारों को। इनको मतलब है कि राम कोई कह रहा है राम वो हनुमान दलित थे, कोई कह रहा हनुमान मुसलमान थे, कोई कह रहा हनुमान जाट थे। इन्होंने भगवान को बेच दिया। ये सरकार है भगवान पर राजनीति करने वाली है। किसानों से कोई मतलब नहीं। किसान खत्म हो जाए बर्बाद हो जाए कोई मतलब नहीं है। अपनी मतलब किसान की बात ना कहवे को जनो किसान धरती मेंट दे जनो बिल्कुल खत्म कर देंगे किसान नुझे। और किसान नुझे कह रहा है कि हम तो खत्म कर देंगे तो सरकार तो कह रही है नहीं नहीं हम किसानों पर ही सोच रहे हैं और किसानों के लिए कर रहे हैं। किसानों का फायदा भाव दोगुनी के अलावा आधी आधी रह गई। माने समझा रही है आधा कहाँ रह जाएगा जब उस पे बाली नहीं आएगी सांड ही खा जाएंगे तो आधा कहाँ रह जाएगा। बाकी सब कुछ ठीक है दूना तो बहुत बाकी सब कुछ ठीक है। अगर सांडों की और गाय की व्यवस्था कर दी जाए तो बाकी सब किसान इसी से परेशान है। बाकी सरकार की सब ठीक है लेकिन इसकी व्यवस्था कर दी जाए। रात भर खेत ना पहले कर जाते बैठे बताओ क्या करना किसान सोवे काम हुआ करे पानी लगावे। दुखी होकर के सब कुछ कह रहा है गाय और सांडों से दुखी होकर के ये सारी बात कह रहा है। बाकी सरकार ने बिजली बढ़ाई सारे काम किए अच्छे विकास करा रही है लेकिन गाय सांडों ने सब बिल्कुल सब किसान सत्यानाश कर दिया। मतलब आपका कहना है कि सरकार ने बिजली पे काम किया है सड़क पे काम किया है 875 रुपये मंथली बिल आता है और मीटर से निकालो तो 1500-2200 रुपये महीने आता है बिल। बिल कहाँ से भरेगा किसान? और FIR हो रही है। इस मथुरा जिले में ऊर्जा मंत्री है श्रीकांत शर्मा और इस मथुरा जिले में 15,000 किसानों पर FIR है। नहीं भाई ये तो सही है। देखिएगा अगर जो मीटर में बिल आएगा वो तो देना ही पड़ेगा तो चोरी वाली बात तो नहीं सही हो सकती है। यूनिट तो महंगी हो गई। हाँ यूनिट पहले क्या थी पिछली सरकार में अब क्या है मंथली 400 में बिजली तो नहीं दी जा सकती ना। कौन कह रहा है लेकिन दरें कम तो की जा सकती है ना। दरें कम तो की जा सकती है ना उसकी बिजली की। किसान है सुबह शाम की जरूरत पड़ती है और दिन भर चला और हम पहले 10,000 रुपया रोज हम क्या करेंगे वो। प्रधान साहब प्रधान जी आप कह रहे हैं कि ये जानवरों वाली समस्या बड़ी है इस पे कुछ ध्यान दिया जाना तत्काल रूप से जरूरी है। जी हाँ जी इस पर बिल्कुल तुरंत एक्शन। तो आज आप बैठे तो इसी बार मुद्दे पे बात करने। अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया तो ये सब किसान 2019 में इसका रिजल्ट दिखा देंगे कि हम भी कुछ हैं। आप तो हर बात में कान पकड़ने लगते हैं। किसान हर बात में कहता है 2019 बता दें। परेशान है दुखी है। हाँ और एक दूसरी बात और है मैं प्रधान हूँ ग्राम की बहुत समस्या है जैसे राशन कार्ड की समस्या है। आधार कार्ड देते देते हमारे किसान भाई थक गए अभी तक राशन कार्ड नहीं बना। बन भी जाता है तो नेट पर चढ़ जाता है 10 दिन रुकता है फिर कार्ड दिया जाता है फिर बनवाता है फिर चढ़ जाता है। एक धंधा बन गया है किसान के किसी गरीब मजदूर के पास राशन कार्ड पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। खुलेआम लूटे रही है। हम नेट पर चढ़वाते हैं चढ़वा के आते हैं 2-4 दिन रुकता है फिर कट जाता है। क्यों कट जाता है कैसे कट जाता है? ये तो आप प्रधान है आपको लड़ना चाहिए इस पे। अरे हम बार बार शिकायत कर रहे हैं तहसील दिवस में कर रहे हैं इंस्पेक्टर से कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर जो नेट पर बैठे उन्होंने धंधा अपना रखा है वो 100 रुपए लेते हैं चढ़ा देते हैं फिर काट देते हैं इस तरह उनका धंधा कैसे चलेगा। अच्छा तहसील में ये कर रखा है उन्होंने। भ्रष्टाचार पिछली सरकार से बढ़ा है
इस राज्य बीजेपी सरकार में, केंद्र राज्य में दोनों सरकार हैं, पिछली जो सरकार है उससे ज्यादा भ्रष्टाचार है इस समय, हर जगह पैसों से काम हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो सर यही है, जो जो सांड छोड़े गए, एक्स्ट्रा छोड़े गए, इनकी परेशानी है। बाकी किसान ये कहते हैं ना, हर किसी समस्या से समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि जब कोई कहीं से भी, जब बाहर हमारी कुछ आएगी नहीं तो हम घर की मजबूती किस तरीके से कर पाएंगे। वैसे तो हमारे ये कहते हैं ना, देश में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है और राज्य में भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि हर कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है। एक परिवार का चलाने वाला भी परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकता है। काम तो सभी अच्छे हो रहे हैं लेकिन हर किसी की नज़र में नहीं हो रहे हैं। सबसे परेशान एक ही है जो किसान है, वो सांडों की समस्या से, बाकी और कोई नहीं है। शहरों में बंदर गाय भी है, एक्सीडेंट हो रहे हैं गाय सांडों में, लड़ते लड़ते मोटरसाइकिल से टकरा जाते हैं और मर रहे हैं आदमी दिन रात। बंदर यहाँ भी है, जंगली सुअर भी है, नील गाय भी है, किसी को मार नहीं सकते, वन विभाग कार्रवाई करेगा। इसीलिए हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं अतिशीघ्र शीघ्र से शीघ्र गौशाला खुलवा दी जाए, जो सरकार के हित में भी है और किसान के हित में भी है, गौशालाएं खुलवा दी जाए। जी 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 जी, मैं आ गया आ गया आ गया। जी जी हाँ जी हाँ जी, क्या कह रहे थे? सॉरी जी जी, कह रहे हो साहब कि मैं दवाई लाए हॉस्पिटल से, बाहर धरी देते वहाँ पे अलवारी पे, और बंदर लाए कि मेरी दवाई पी गए और मैं तो रह गया। खांसी की दवाई लाए हो, खांसी की बहुत परेशान, एक पेट साफ करने की लाए हो तो वो पूरी दो दवाई पी गए और भाई को। अच्छा, एक पेट साफ करने की लाए थे और एक खांसी की लाए थे और दोनों दवाई पी गया? पी गया बंदर। बंदर तो बाप आजी आजी देखो, बंदर आए देखो बैठे छत्ते पे। जी जी मुझे मालूम है। तो पाजी, गांव की समस्या आपने देख ली, तो समस्या ये है, इसका हल गौशाला है, गौशालाएं खुलनी चाहिए गांव में। सांड नहीं बिक्री शुरू हो जाए, गौ नकी मत करो तो सांड नहीं तो बिक्री शुरू होनी चाहिए। पहले बेकत है खूब, पहले जानते हम पे जो बैल काए बुड्ढे है जानते का खूब बेकत ना है जो फालतू होता का है। गौशाला के नाम पे तो कदे मनी इतनी खुलवा दी, गौशाला मत कहो से, गौशाला के नाम पे तो धन ऐठा जा रहा, गौशाला वाले मौज ले रहे हैं। ये सांड साला खुलनी चाहिए, गौशाला लेके जा कहते सांडों को अपने घर ले जाओ, गौ हो तो उसे दे जाओ, गौ है कहाँ, सांड कहो ना सांड साला, गौशाला कह देते। गौशाला तो अभी कह रहे श्रीकांत शर्मा वहाँ खुलवा दिया, जगह ले ली है, गौशाला ने सांड साला का नाम नहीं आ रहा आज तक। तो सवाल समस्या ये है, कमाल सौदा है गौशाला के नाम पे। सवाल ये है कि इससे समस्या का हल, गांव में जब मैं मौजूद हूँ लोग परेशान इसी बात से हैं, बार बार कैनॉट प्लेस में समस्या आती है, बार बार लोग कहते हैं, तमाम जगह से उत्तर प्रदेश के जब नौजवान आता है वो कहता है मेरे गांव में ये समस्या है, सांडों की समस्या है, जानवरों की समस्या है, बढ़ गए हैं। तो आज यहाँ पर मुझे पता चला गाँव में, मैं बहुत ज़्यादा दूर दिल्ली से दूर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर गाँव में ये समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी, लोग यहाँ पे आज बैठे थे और इसी बात को डिस्कस कर रहे थे। अगर हमारे आधे से काम में खाई खुद जाए तो कोई गाय कहूँ नहीं जागी, आधे से काम में तो खाई खुद रही है। को नहीं तुम गाय मीडियम ने काट दियो, बस हमें जिस चाहिए रही नेक मीडियम ने काट दियो कि कितने खरंजा है। ये तो काम देखो ग्राम पंचायत का है, पंचायत वालों से कहना चाहिए, मीडिया में तो नगर है नेक मीडिया में तो समस्या, बड़ी समस्या जो बताई इन्होंने, हम तो उस बड़ी समस्या के निराकरण इतन तने पानी में एक निकल रहे हैं। हाँ, इतने पानी में खेवे को थोड़ा दिए, यहाँ की समस्या है, किसान की समस्या, किसान की समस्या का हम कोई हम तो कूद जाए कह रहे बस, वो तो गाय की साढ़ की समस्या की साढ़ की समस्या जिंदगी में ना खत्म है रही, तो जो कीचड़ का तो खत्म है रही ना रखो बाची। मैं कहा कि नेक मीडिया में करो तो सही, हम काय में इतने तने पानी में एक निकल रहे, इतने इतने पानी में निकल रहे क्यों, पानी भरे हुआ खरंजा तो ना है, पानी भरा हुआ है खड़ंजा नहीं है। हाँ? समस्या बड़ी है, समस्या बड़ी है, गुआ के तुम नेक देखो, प्रधान जी तो सामने बैठे हैं, प्रधान जी बैठे, प्रधान जी ने तो पाम पूज ले मन है, पाम पूज ले हाथ जोड़ ले सब तरह कह लिए मन, तो प्रधान जी आपके पैर, अब आप तो समस्या उनकी बता रहे हो, अपनी समस्या तो हल नहीं कर रहे हो। 29 गांव हैं, जैसे जैसे पैसा आ रहा है मैं 29 गांव में लगा रहा हूँ। ये गांव वाले बैठे पूछिए, मैंने गांव में विकास कराया भाई, पूछो सबको,
पूरा बका ऐसा तो नहीं है, पैसा आएगा मैं आगे काम कराऊंगा, लेकिन इनका वहाँ विवाद है आपस में, वहाँ पर गोलियां चलती है, मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, पानी भरा हुआ है आदि, इससे तो विकास न हो, अच्छा है जैसे आदमी मर जाए वो क्या फायदा है, वो पानी को निकलने के लिए 7-8 खरंजे रह गए, वो अगली किस्त में प्रधान जी ले रहे हैं। प्रधान जी नो हमारी खरंजा की गई, ठीक है, दो दमंगा आदमी है वहाँ, उनके गटर हमारे घर के सामने उग जा रहे हैं। लेटर आप देखो, देखो पर्सनल समस्या ना बताओ, मुझे पर्सनल नहीं है, रोड की समस्या है वहाँ, ओके गांव की परकम्मा है हमारे घर के आगे, ओके गांव की परकम्मा है, उसी रास्ता में थोड़ा सा जगह रह गई है, बाकी का विवाद के कारण रह गई। प्रधान जी ने उसे खरंजा को कराने के लिए कहा था, आप कह रहे पर्सनल नहीं है ये, वहाँ गांव का मैटर है, वहाँ के पूरा गांव निकलता है, गांव की परकम्मा है। प्रधान जी तो विवाद के कारण, वो विवाद के कारण नहीं हो पाया, मैं तो करा रहा हूँ, लेकिन आपस प्रधान जी उस करंजा को करा रहे थे, पर हम लोग जो आपस का विवाद करते हैं, प्रधान का अपनी चांद फुड़वाए, उसमें विवाद क्या है, गटर मतलब मोदी जी कह रहे हैं लेटरिंग मतलब सोखता बनवा, और लेटरिंग बह के जा रही है घर के सामने होके, अब मोदी जी क्यों नहीं एक्शन कर रहे हैं, टैंक वाली है वहाँ से लेटरिंग निकल के जा रही है, वहाँ खाना खाते हैं बैठते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तक। हाँ कह दो, कह दो भाई, कह दो, कह दो किसानों के ऊपर पूछ लो कुछ, नहीं तो किसानों को बताओ, तो बिजली का बात बताई आपने, खाद की बताई, बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रही है। अगर ये कहते ना भ्रष्ट है, तो भ्रष्ट वो खुद हम है, क्योंकि हम जब पैसा पे नहीं करेंगे तो उसकी पेनल्टी आएगी हमारे पास में। तो इसके तो अच्छे दिन आ गए, ये तो अब अच्छे दिन गा रहा है, ये अच्छे दिन कैसे आ गए, देखो किसान सवाल सवाल तुम अपनी बात कहोगे, वो उसको अपनी बात कहने, सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, इसीलिए चैनल आया है, अपनी बात कहने का अधिकार, उसको अपनी अधिकार है पूरा कहने का, व्यक्तिगत उसका सुझाव है, लेकिन ज्यादातर यहाँ सुझाव पूछो, किसान कितनी बर्बाद स्थिति में, बिल कितने का है, सिलेंडर कितने का है पूछो ना इनको, ये जनता पूरी खाद कितने का, कितने का है, डीजल कितने का, गेहूँ 1800, लेकिन ये नहीं सोचते कि 3 रुपया किलो वहाँ से कोटा से भी मिलता है, ये नहीं सोचता आदमी, कोटा से किसको मिलता है, कोटा से हर आदमी को कहाँ मिल रहा है, जो गरीब बता रहा है, जो पैसा देने वो तो कहेगा नहीं, जब बिजली उसको अच्छी सुचारू रूप से मिल रही है तो पैसे देने में उसे क्या अर्ज है, अच्छी तरह से मिल रही है, यूनिट का भी कोई बिल एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, जो हम उसे हम भोगते हैं उपभोक्ता की तरह हम यूज कर रहे हैं, उसका हमें पे करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है। तो भैया हमारे म्यूचुअल लोगों ने सही करवाया, लोगों ने बिलन करवाया, लोगों चौगुने चौगुने आ रहे का, उन्हें तुम्हें यहाँ तक चुन दे, हम तो श्रीकांत शर्मा जी ही चुन दे, नौकरी छूट गई, हम यूपी पुलिस में थे और नाइन साहब की वजह से छूट गई, हम नौकरी छूट गई पहली सरकार में 200 रुपए महीने के बिल से गुजर हो रही थी, अब 850 में गुजर नहीं हो रही, और बड़ी समस्या है, और जबरदस्ती एक एक बल्ब जलाता है और एक पंखा चलाता है, उस पर 2 किलोवाट का कनेक्शन किया गया है जबरदस्ती, इस पर जोर क्यों नहीं देते, नहीं हम जो जोर दे रहे हैं, हम तो कुछ बोल रहे हैं, वो ये सरकार कह रही है जितना आप बिजली चलाएंगे उतना पैसा आप देंगे, तो कहाँ एक बराबर एक पंखे पे 850 हो गया, नहीं तो ईमानदारी के साथ जितना आएगा वो सरकार कहती है हमें, 2 किलोवाट का कनेक्शन एक बल्ब और एक पंखे, तो आप कह रहे कि मीटर ज्यादा तेज चल रहा है क्या, मीटर नहीं लगा अभी, अभी तो मीटर नहीं लगा, अभी मीटर लगाए नहीं है, मीटरों को वो अलग से टांग के रखे हैं, जब गांव में ये कंप्लेंट हमने चीफ साहब से इंजीनियर साहब से कही थी, जब मीटर लग जाएंगे उनको मीटरों को जल्दी से लगवाए, उसके हिसाब से जब बिजली आएगी यूनिट खर्च होगा तब पता लगेगा, चलिए आपके पास मीटर तो आ गया, बिजली तो आ गई, अरे वहाँ तो अभी कुछ नहीं आया बहुत जगह, बाबू जी सुनो कनेक्शन करा लिया है और 1 किलोमीटर पे 100 मीटर पे से तार डाल के लाया हूँ, न किसी ने केबल दी और न कोई लट्ठा का प्रबंध है न कुछ है, कनेक्शन मिल गया, बिल देने लग गया और बिजली की कोई समस्या ही नहीं है, हल हो रही है, कहाँ चले गए प्रधान जी, कहाँ चले गए प्रधान जी, समस्या का हल करो, भागो नहीं, बताइए समस्या का हल करो, इनका क्या है, न तो कोई लट्ठा है और न कोई बात है, पूछो 100 मीटर पे से तार डाल के किया, न कोई केबल आई है, बिजली वाले सारे सब मकार कर रहे हैं, बिजली विभाग से बार बार कहा जाता है, उल्टे सीधे खम्भे गाड़ जाते हैं, प्रधान को कोई पूछता नहीं है, बीच रास्ते में खम्भे गाड़ दिए जाते हैं, जब जनता परेशान होती है कंप्लेंट की जाती है, जब पुनः उखाड़ करके तो दूसरी जगह लगाया जाता है, तो पाजी सुबह तो बंदर थे, अब यहाँ सांड देख लिया, अब आगे देखो क्या है, आओ आगे पाजी, ये वृंदावन है, आ जाओ दर्शन कर लो पाजी, जैम के चक्का जाम हो रहा है, चढ़ जाओ ऊपर आसमान पे तार पे, चौराहा बहुत चक्का जाम हो रहा है, अब कहाँ जा रहे हो, हम प्लांट जा रहे हैं अपने, कौन से प्लांट पे, कालीदह प्लांट पर, अच्छा कालीदह में कौन सा प्लांट है,
पंजाबी का प्लांट है, सोनू पंजाबी का। मिलता क्या है? पानी फिल्टर, फिल्टर पानी बेचते हैं हम। अच्छा, पानी फिल्टर बेचते हो? बगैर फिल्टर का पानी फिल्टर में बेचते हैं? लो, तुम तो कह रहे हो फिल्टर है, ये कह रहे हो बगैर फिल्टर, ये कह रहे बगैर फिल्टर, बगैर फिल्टर है भैया। ऐसे ही बल्लाते हैं, रोड खराब हो जाता है। 10 लाख का मशीन है नीचे लटक है। इसकी फोटो खींच के और अपने एमएलए और मंत्री जी को और मुख्यमंत्री को भेज दो। मंत्री एमएलए तो बहुत आगे कह दिया है, रोड टूटा हुआ है यहाँ पे, राजन गाड़ी रिक्शे पलट जाते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। सिवाय भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं हो रहा है। कोई भी नेता आ जाए, कोई भी मेयर बन जाए, ओनली भ्रष्टाचार हो रहा है। इस गड्ढे को यहाँ पर 6 महीने हम रोज शिकायत कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आए दिन यात्री गिर जाते हैं, कल परसों एक बच्चा गिर गया इसमें। अच्छा, एक ओवरलोडिंग है। अरे जाने दे यार, गॉड ब्लेस यू। हाँ देखो कितनी परेशानी, कहाँ जा रही हो? टूर पर आए हैं। टूर पर बैठ जाओ, दबक जाओगे नीचे। हेलो दादा, मुझे ये बताओ खबर, यहाँ कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप सब होता है। हाँ बाजी, पहला तो ये काम करो, यहाँ आते ही कि ये चश्मा उतार के और रख लो। बंदरों का ज्यादा आतंक होता है यहाँ, बंदर ले जाते हैं। मैं मथुरा गेट का निवासी हूँ, यहाँ काफी वर्षों से जल भराव होता है और आज तक कितने ही चुनाव हो चुके हैं, नेता जीत के आते हैं, वादे करके आते हैं, कोई इस समस्या का निस्तारण नहीं हुआ। तो चश्मा हमने उतार के रख लिया है, समस्या के निस्तारण में चलेंगे। आप पूछेंगे चश्मा क्यों उतार लिया, ये वृंदावन है, यहाँ चश्मा सबसे पहले उतारा जाता है। मतलब कौन ले जाता है? बंदर ले जाता नेता, बंदर ले जाते हैं चश्मा उतार के यहाँ रोज डेली। और फिर वापस कैसे मिलता, बंदर वापस देते हैं? रोटी रोटी मिलाते हैं, रोटी मिलाते हैं उसको, देते हैं 10 रुपए की आती है उसको। ऊपर से बंदर ले जाते हैं, नीचे चलते हैं तो साढ़ मार जाते हैं टक्कर। यहाँ पर ऊपर से बंदर ले जाते हैं और नीचे से सड़क पे चढ़ते हैं तो साढ़ मार जाते हैं टक्कर। ऊपर से बंदर ले जाते हैं और नीचे साढ़, तो रहते कैसे हो? अरे पंडित जी मौज ले रहे हो, हम हैं राधे 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 राधे। तो ऊपर तो बंदर ले गए चश्मा और नीचे साढ़ मार गए, तो अब बचा क्या है? बचा कुछ भी नहीं, और ऊपर से आदमियों को भी पटक रहे हैं बंदर, आदमी भी मर रहे हैं ऊपर से गिर करके, ना? कोई भी कोई व्यवस्था नहीं है, मर चुके हैं। बड़ी व्यवस्था करनी चाहिए बंदर की ना, प्रशासन बंदर ईटा फेंकते हैं, ईट जो पकड़ के जो उठा के मारता नीचे बंदर, बंदर जो पकड़ता है ईट को जो मारता है। अच्छा, उठा के ले गए बच्चे को, उठा ले गए बंदर को, उठा के ले गए बंदर, नवजात बच्चे को, नवजात बच्चे को बंदर उठा के ले गए। बंदर ऊपर से ईंट मारते हैं, बंदर ना और शनिवार इतवार को नो एंट्री रहे, तो भान खाते घुसा में जामे इतने, नो एंट्री कह रहे हैं, बन में कह रहे हैं, दुनिया भर को नाटक बना रखो, माटिया से पैसा ले लेकर इन्हें घुसा रहे, क्या घुसा रहे हैं ये सब? रोड जाम लग जा, रोजाना जाम लग रहा है, क्या हालत है रही है? जबकि इतवार शनिवार इतवार को बंदर दिखा रहे हैं, प्रवेश ना है आनंद को, गाड़ी गाड़ी पसंद नहीं लग रहा। अरे आइए, कहाँ जाइए, बंदर यहाँ पे देख रहे हैं आप, क्या हालत है बाजी? आज तो दीवार पे बैठे हुए लोग खास है बाजी, बाकी हम लोग तो जमीन पर है बाजी, लेकिन बड़ी विकट समस्या है वृंदावन में भाई बाजी। और क्या वृंदावन, पूरे उत्तर भारत में, शिमला से लेकर बाजी, शिमला में भी हमने आपसे बात की थी, शिमला से लेकर पूरे उत्तर भारत में, जयपुर से लेकर उत्तर प्रदेश में ये समस्या दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है। लोगों ने बताया कि यहाँ पर तो सामान भी ज्यादा लगाने लगे हैं लोग, और घरों पे बड़े इंतजाम होने लगे हैं। जी साहब, सही है साहब, सही है। क्या क्या लगवा रहे हैं घरों पे? बिजलियों में बिजली के तार हैं, कांटे लगवाते हैं, जाल लगवाते हैं। सुना कि एक महिला की, हाँ, महिला की मौत हो गई छत से गिर के, बंदरों की वजह से। बंदरों की वजह से चश्मा पर्स मोबाइल आ पड़ता है तो अकेले को झपट पड़ते हैं, खा जाते हैं, छत पे होते हैं तो फिर फेंक ही देते हैं ऊपर से, ये होता है, फेंक देते हैं। हाँ हाँ फेंक देते हैं। आए दिन आपको प्रचार आई। नमस्ते, जय श्री राम। जय श्री राम। देख रहे हैं आजकल हनुमान जी का,
नहीं, हनुमान जी तो अपने जगह पे सही है, क्योंकि लोग जनता बंदरों को कुछ देती नहीं, वो भूखे रहते हैं, भूखे पेट कोई भी किसी को टॉर्चर करता है। पहले डाकुओं को पैसा नहीं था तो लूटते थे, देखिए पुजारियों को पूजा का दक्षिणा मिल जा वो ठग विद्या बंद कर देते हैं, बंदर लूटपाट भी बंद कर देंगे, कि बंदर राम जी का सेना है। अरे हमने वो वाले हनुमान जी की बात करी थी, कौन वाले हनुमान जी के जो आजकल जो चर्चा में है। सुनिए, बंदरों को लोग हजार नहीं एक एक करोड़ रुपया पान गुटका में फेंक देते हैं, लेकिन बंदरों को चना या जो भी केले खिलाना है। बाबा जी यहाँ पे आदमी मरा जा रहा है, बंदर लूट, कहाँ यही रहते हैं आप? हाँ जी यही रहते हैं बंदर, हमारा तो निधिवन के पास ही घर है और निधिवन में तो बंदर बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, मतलब बंदर वृंदावन में चश्मा मोबाइल पर्स सब कुछ ले जाते हैं, और सर्दियों में तो खासकर सिर पे जो बंदर टोपा लगा के आते हैं यहाँ पे बंदे, उनका टोपा भी ले जाते हैं। इसे ठीक से दिखाई नहीं देता बंदर की वजह से, चश्मा भी लग रहा था बंदर चश्मा मैंने अंदर रख रखा, सही से दिखता नहीं बंदर को, चश्मा अंदर रख रखा सामने खड़े बैठे हुए, वो चश्मा छीन के ले जाते हैं सबका, फिर वापस सुना वापस क्या पता बंदर को चश्मा ले गए। पहले तो वृंदावन के बंदर चना देकर चश्मा छोड़ देते, लेकिन आजकल फ्रूटी पीते हैं, यदि आपका चश्मा ले जाए तो दो मिनट के अंदर आपका चश्मा छोड़ देंगे, आप उनको फ्रूटी पिला दो। बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं और ये सिर्फ मजाक की चीज नहीं रह गई। कुछ साल पहले हमारे इधर सब्जी मंडी के सामने ही एक बूढ़ी माता जी ऊपर कपड़े सुखा रही थी, तो बंदर आया और उनको धक्का दे गया। अब तो सुना कि ईंट ईंट ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। यहाँ पे एक चीज हो रहा है जी कि यहाँ बंदरों को लोगों ने पाला हुआ है, वो बंदरों को जो है छोड़ देते हैं, वो चश्मे उतारते हैं, कभी कुछ उतारते हैं, उनको 100-150 रुपए दो, 5 मिनट में वो चश्मा ला के दे देते हैं। ये सब तो व्यर्थ बातें हैं, लोग वाक कहते हैं, लेकिन देखो बंदरों को कौन सिखाएगा। अभी कुछ साल पहले यहाँ से 2 गाड़ी बंदर पकड़वा के छुड़वाए थे, लेकिन 2 छुड़वाए जाने पास के कोई गांव से यहाँ पे 4 गाड़ी वृंदावन बंदर में छोड़ गए, ऐसा भी हुआ यहाँ। जी सर, बंदरों की समस्या बहुत भयंकर विकराल रूप ले चुकी है, मुझे 2-2 बार काट खा चुके हैं बंदर, दोनों हाथों पे निशाने मेरे काट खाने का बंदरों के। और अभी मथुरा में भी एक दुर्घटना हुई है, एक लेडीज को छत पर से धक्का दे दिया बंदरों ने, और उस लेडीज की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। गाड़ी चलाते हैं, उन्हें बताते हैं हम। क्या बताते हैं? परदेशियों को बताते हैं बंदरों से सावधान, बंदरों से सावधान, सावधान। वो पहले बताते थे गिरह कटों से सावधान, चोरों से सावधान, अब तो यही बताते हैं बंदरों से सावधान, अब बताते हैं बंदरों से सावधान। सबसे बड़े लूटपाट यही करते हैं, यही लुटेरे, अब आदमी नहीं लूटता, यही लूटते हैं। बड़ी समस्या है यहाँ पे, खाने की पीने की जो मतलब का है वो नहीं है, वो सब लूटला पार्टी करना उनको, पैसों के पर्सों को ले जाते हैं, पैसे ऊपर से लुटाते हैं, ले जाते हैं। अजी आज हमने चश्मा नहीं लगाया, देखिए आज यहाँ पे फोटोज भी नहीं खींच सकते, नहीं खींच सकते, मोबाइल ले जाते हैं, मोबाइल मोबाइल भी ले जाते हैं। परेशान नहीं है यहाँ का बंदरा वन का भी आदमी, परेशान सबसे ज्यादा वही परेशान, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे जरानी रेडी बहुत परेशान। काम तो शासन और प्रशासन का है ना, आम जनता का तो नहीं है, आम जनता दुखी है, परेशान है, शासन को देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए। अभी हमारे योगी आदित्यनाथ आए वृंदावन आए थे तो बोले थे कि हनुमान चालीसा पढ़िए, बंदर चले जाएंगे, क्या इन सब बातों से लाभ तो नहीं है ना, ना बंदर जा रहे हैं, उसके लिए कोई कार्य करना चाहिए, कुछ सुविधाएँ करनी चाहिए, वो सुविधा कुछ नहीं है, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, सुविधा कुछ नहीं मिलती। SSB साहब आए थे, उनका कैब भी ले गया था बंदर, तब भी कोई उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, इस भी साहब का कैप ले गया, कैप ले गया उसका। आप तो चश्मा लगाए हैं, तभी तो हम पीछे खड़े हैं, आपके पीछे खड़े हुए हैं, सिक्योरिटी में खड़े हुए हैं, हाँ बाहर जाएंगे चश्मा उतार लेंगे। कोई भी नहीं है, काफी ज्यादा पुलिस प्रोटेक्शन थी, उसके बावजूद भी बंदर ले गया उनका कैप। भैया बंदर तो बंदर होता है, वही तो कह रहे ना, बंदर तो बंदर ही है। अब इतनी पब्लिक चल रही है यहाँ, इतनी पब्लिक है, टूरिस्ट आते हैं बाहर से लोग, उनके लिए कोई भी सुविधा किसी चीज की नहीं है, जाल लगवाता है, मकान भी बनवाता, बंदरों का पहले जाल लगवा, दिखाई तो पड़ रहे हैं दूर दूर तक, कितने जाल लगाए हैं लोगों ने, पूरा इलेक्ट्रॉनिक ये करंट लगा रखा है बंदरों के लिए। सर आप यहाँ पर चल रहे हैं कि हनुमान चालीसा गा रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारे समस्या का सोल्यूशन नहीं है। जिले में भी जाओगे तो बहुत जख्म पड़े हैं, बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं ना। भैया निकल लो पाजी यहाँ से, आप जल्दी आओ। अरे पाजी पुलिस चौकी भी जो है पहरे में रहती है, देखिए जाल हर जगह लगे हैं पाजी, हर जगह, सुरक्षित नहीं कोई है, कोई सुरक्षित नहीं, कुछ पाए कुछ उठा ले जाए। अच्छा नहीं बंदरों से, बंदरों से परेशानी है बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी परेशानी है। देखिए इंस्पेक्टर साहब दिख रहे हैं पाजी, जाल में दिखाई दे रहे हैं, उधर जाल के बैठे हैं पाजी, यही खेल है यहाँ पर, समस्या जो है ना पाजी जबरदस्त है, और यहाँ पर रोज इसी तरह की
वारदात और सब चीजें बंदरों का यहाँ एक बड़ा आतंक बनता जा रहा है। जब भी चुनाव होते हैं तभी वादे किए जाते हैं कि बंदरों की समस्या दूर की जाएगी। सांसद हेमा मालिनी जब यहाँ चुनाव लड़ी तो उन्होंने कहा कि मंकी सफारी बनवाएंगे, लेकिन फाइलें बढ़ी और फिर कागजों में दबके रह गए। बंदर सब ऊपर बढ़ते बंदरों की समस्या लगातार बढ़ जा रही है। अगर एक बात करें महीने में तो लगभग 1000 से 1200 मरीज रेबीज के इंजेक्शन लगवाने हॉस्पिटल में पहुंचते हैं साल की बात 1200 1000 से 1200 लोग, एक कम से कम एवरेज वो सरकारी आंकड़ा है लगभग वो है। इसके अलावा प्राइवेट कितने जाते हैं तमाम वो चीज़ें अलग हैं। कमल जी यहाँ के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और बंदरों की समस्या बड़ी है। कमल सर कुछ हो गया क्या? नहीं समस्या नहीं है, ये तो उनका अधिकार है बंदरों का। हाँ ठीक, चश्मा नहीं पहने पहन लीजिए, बस पहनने जा रहा है। हाँ पहनिए। हाँ पाजी क्या बात है, तो रंग महल श्रीरंग महल रंग महल रंग महल रंगनाथ क्या बात है पाजी। तो समस्याएं तो आज आपकी हमने देख ही ली, सबसे बिकट समस्या क्या है? सबसे बिकट समस्या भैया जी यहाँ पर बंदरों की है। बंदर बंदरों की? अरे बाप रे बाप, याद आया पाजी। चश्मा ले गया साहब। हाँ जी मेरा भी चश्मा ले गया बंदर। अभी ले गया किसकी चप्पल ले गया? आपका खूब देखते टीवी पे। कहाँ से है आप? पटियाला से। पटियाला से? पटियाला से। लेकिन साहब बंदरों का जबरदस्त है ना सर? अभी कुछ दिन पहले कुछ महीने पहले एक लेडीज घर पे छत पे कपड़े सुखाने गई और बंदर उस पर इस तरह से चिल्लाया कि बंदर के डर से वो छत पे से नीचे गिर गई और उनकी डेथ हो गई थी। नहीं लेडीज 3 दिन पहले की बात। बंदरों का बहुत 3 दिन की पहले की बात। मथुरा लाखों बंदर है। 3 दिन पहले की बात है। 3 दिन पहले की बात है हमारे मथुरा में बंदरों का आतंक इतना वृंदावन और मथुरा में कि लेडीज ऊपर से धक्का दे दिया। पूरे उत्तर भारत की समस्या है पाजी और ये दिन पर दिन बड़ी और बिकराल होती जा रही है। इस समस्या को डीजल और पेट्रोल की समस्या कम ना समझिए पाजी, आप जरा एक बार वृंदावन में और आगरा में जाके देखिए स्थितियां क्या, कानपुर में पहुंच के देखिए, और आप पाजी और क्या बात करते हैं शिमला में जाके देखिए। समस्या थोड़ी 19 और 20 में हो सकती है लेकिन बहुत बिकट है जी आज की स्थिति ये जी। हाँ जी क्या बोल रहे थे आप? लाखों रुपए रोज का नुकसान करते हैं यात्री का और लोकल का और यहाँ कोई समस्या हल नहीं हो पा रही है। कम से कम सरकार इस पे क्यों कुछ नहीं करती? देखिए बंदर कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सेब खवाइए, टमाटर खवाइए, चने खवाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुनी सूट बता रहे हैं। इस जगह वृंदावन में आतंक बहुत है बंदरों का, पब्लिक यहाँ परेशान है, किसी का पब्लिक ही नहीं पर्स लाखों रुपए का हर यात्री इस जगह परेशान है जी। जिंदाबाद है जी योगी जी, जिंदाबाद है जी। हाँ जी योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद है जी, योगी जी जिंदाबाद है। लेकिन ठीक है जिंदाबाद होने से समस्या का तो हल होना चाहिए। योगी जी तो जिंदाबाद है। योगी जी ने सिवाय कलर चेंज के कुछ नहीं किया है, केवल जो भी गवर्नमेंट आती है यूपी में केवल दीवारों और बसों के कलर चेंज करती है, बाकी कुछ पब्लिक के लिए कुछ नहीं करती है। योगी जी ने भी यही किया, जो पहले कलर थे उनको गेरुआ करा दिया, वो खुद बाधा करके गए थे बंदरों को भगाने के लिए। अभी मंत्री ऊर्जा मंत्री वो खुद श्रीकांत शर्मा जी कह के गए थे कि यहाँ बंदरों का सबसे पहले काम करूंगा, वो आज तक इसलिए आए नहीं। आज की स्थिति ये नगर निगम के नगर आयुक्त और मेयर साहब भी इस बंदरों के लिए, क्योंकि पार्षद जो है पार्षद दिन पे दिन कहते हैं कि बोले समस्या दिलाओ, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं होती है। पहले बांके बिहारी मंदिर पे एसडीएम का चश्मा ले गए थे। हाँ जी साहब सुनना होगा, किसी का चश्मा चला जाता है किसी का भी चश्मे ले गए। अभी अभी तुरंत जैसे ही मैंने गाड़ी खोली निकाल के रखा था तो छीन के लेके चले गए। और मैंने यहाँ पे लोकल लोगों से पूछा ये इतनी क्यों बिकट है, हाँ। तो लोकल लोगों ने कहा कि आप लोग ही बाहर से आते हैं और बंदरों को कुछ ना कुछ खाने को जो फेंकते रहते हैं, तो बंदर अब वो उनके भाई जहन में हो गया है, वो कुछ भी आते हैं तो कुछ भी। अभी तो मुझे बताया कि अगर आप कोई सामान ले गए तो मैंगो फ्रूटी पीते हैं, अगर आपने मैंगो फ्रूटी नहीं दी तो सामान छोड़ेंगे नहीं, अब उनको मैंने फ्रूटी फेंक दिया तो सामान आपके छोड़ देंगे। तो आपने फ्रूटी पिलाई? नहीं मैंने बिस्किट फेंकी तो चश्मे फेंक दिए, लेकिन तोड़ दिया था चश्मा। तब तक तोड़ दिया था? छोड़ दिया था। देर कर दी? हाँ देर तो ऐसा ना वो देर कर दें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रोज का नुकसान है समझ रहा हूँ कितना। ये भी एक जैसे कान्हा जी का गोपियों के कपड़े उठा जाते थे, ये भी बंदरों का वो है। वृंदावन की शोभा है भगवान की। रोटी मांगते हैं? रोटी मांगते हैं। अच्छा हाँ जी आप क्या मांग रहे हैं? मसाला गोल्ड मोर, ये तो गोल्ड मोर मांगते हैं। गोल्ड मोर
फिर भी सही है, ज्यादा अत्याचार नहीं हो रहे, अंदर निर्जीव रहते, कोई बात नहीं। अच्छा, खत्म करने की मत सोचो, ये गलत, बंद कर दो, मार दो, मरवा दो। अरे ना 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 ना, ये गलत नहीं, मारेगा कोई नहीं। हाँ जी, इनको तो खाली यहाँ से उठवा के जंगलों में बंद, इतना तुम्हारे घर से उठवा के तुम्हें बाहर भेज दिया, तो क्या करोगे? बहुत अत्याचार बताओ, भगवान की देने ऐसे खत्म थोड़ी करते हैं, इंसान को खत्म करने की सोचे, इंसान बहुत और जा रहे हैं, तो क्या इंसान को खत्म कर देंगे? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बंदर है, समझाओ, बृंदावन पास बंदर, पास बंदर, बृंदावन पास पाजी, पास पाजी, देख लो। और आपका नाम क्या? ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद है ना, आगरा से, आगरा से। अप्पा जी, अप्पा जी, दर्शन हो गए पाजी आपके भी, क्या बात है पाजी, कैमरा घुमाते घुमाते यहाँ तक आ गए, हो गए दर्शन आपके? हाँ जी सर। अच्छा, कहाँ से हैं आप? सर दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ, दिल्ली से दर्शन करने हैं। आप कहाँ से? आप सैपई से। अरे गजब है, बड़े अच्छे इलाके से हो यार तुम तो, हैं? और इस बार महोत्सव नहीं हो रहा है? अब नहीं होगा? क्यों? यादव जी की सरकार गई, अब कहाँ से होगा? अच्छा, मुलायम सिंह जी की सरकार गई, अब नहीं होगा? अब नहीं होगा सर। अच्छा, दर्शन हो गए? हाँ जी बिल्कुल, बहुत क्या रहा, कैसा रहा? बहुत बढ़िया। 2018 कैसा रहा? 2018 बढ़िया और आगे भी बढ़िया आएगा सर। कैसे मोदी जी इस बारे में? 2018 कैसा रहा? समझदार में पूछ रहे हो आप, सब सारे समझदार, आप समझदार, मोदी जी के वायदे सुनते रहे हैं, मोदी जी के वायदे सुनते रहे, देखो वायदे वाले ज्यादा है। हाय हाय, राधे राधे, राधे राधे। कहाँ से? मैं वही मथुरा से हूँ। मथुरा से? तभी धक्का दे रहे हो मुझे तुम, हैं? राधे राधे। मथुरा के हो, धक्का दे रहे हो? राधे राधे। राधे राधे, कहाँ से? ग्वालियर से। ग्वालियर से? हाँ जी। सरकार तो बदल दी आपने? बदल गई हो तो लोकसभा में क्या होगा? परिस्थिति बदल गई लोकसभा में? लोकसभा में देखो संभावना क्या है, आगे बताएंगे। हे हे पाजी, सवाल पूछना मुश्किल है इसमें। कहाँ से हैं आप? दिल्ली। दिल्ली से आप? दिल्ली। तो आपसे तो सवाल क्या पूछे हम? दिल्ली वालों से सवाल क्यों नहीं? क्या चाहिए? चाहिए क्या? हम कोई भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं गुरु जी, क्या चाहिए? आप दे दीजिए, भीख ही दे दीजिए हमें कोई। अच्छा, सारे सवाल जवाब है आपके पास, तो बताइए 2019 में क्या होना है? कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आएगी? नहीं, 50-50 2020 के जमाने है। देखिए बाबूजी, देख लीजिए भीख ये है, आप बोल रहे कांग्रेस, इनका ही परिवार है ये सर, और परिवार इन्हीं का है, इन्हीं को नहीं पता है। क्या बात है बाबूजी, तो क्या क्या आपको क्या लगता है? मोदी, मोदी, मोदी आएगी। अच्छा, ये पत्नी मोदी बोल रही है, आप बोल रहे हैं कि आएगी जनता पार्टी? जनता पार्टी जो काम बीवी की ना, चलेगी बीवी की? क्या बात है बाबूजी, जनता पार्टी। हेलो, हां जी, मोदी, 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 मोदी। क्या कर रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो पाजी? गजब है पाजी। हाँ भैया जी, कहीं क्या बात है पाजी, कहाँ से? नेपाल से? नेपाल से पाजी। सारे दर्शन हो गए पाजी, आज आए थे ना सुबह दर्शन करने, कर लिए दर्शन पाजी, अब निकले कैसे भैया? जिधर धक्का है पाजी उधर ही चले चलो। बस बस, गली में लौट आओ पाजी, गली में। ओ, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, बगैर चश्मा, चश्मा ले गया बंदा। थैंक यू सर। पाजी आइए, पाजी आइए। और पाजी, और पाजी कैसे हैं? बढ़िया। दर्शन अर्शन हो गए? हाँ। कहाँ से आ रहे हैं? फरुखाबाद। फरुखाबाद से? क्या चल रहा है फरुखाबाद में? ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो तैयारी कर रहे होंगे 2019? बिल्कुल। क्या होगा इस बार 2019? फरुखाबाद में गठबंधन होगा और सपा की सीट निकलेगी। सपा बसपा में होगा? हाँ, सपा बसपा नहीं, कांग्रेस में होगा, हमारे सलमान खुर्शीद निकलेंगे। सलमान खुर्शीद जी की निकलेगी? जी जी। अच्छा, हाँ, तो महागठबंधन की तैयारी है। हाँ, तो जोर दिखाएगा या यूपी? हाँ, में और नहीं, 22 सीटें हमारा पहले प्रोग्राम 22 सीटों का था। हाँ, उस पर लड़ेंगे अगर गठबंधन नहीं होता कांग्रेस। बिल्कुल। अच्छा। हाँ, हमारे से मतलब क्या है आप कांग्रेस से?
जी हमें पार्टी कांग्रेस के। अच्छा आपकी पार्टी कांग्रेस है जी। अच्छा तुम्हारी कौन सी है? कांग्रेस कांग्रेस। अच्छा साथी में हो जी। अच्छा तो चलो फिर आगे, यहाँ तो कांग्रेस ही आएगी सर। अच्छा कहाँ पे? मथुरा में तो कांग्रेस ही जीतेगी इस बार। अच्छा अच्छा और क्या चल रहा है जी? आपको तो पता ही है यहाँ बीजेपी का तो कुछ ये है कि अपने यहाँ जाट माहौल है सर। जाट माहौल है जी जी। अच्छा तो जाट किधर है इस बार? इस बार सर कांग्रेस के साथ हैं सभी। जाट जाट कांग्रेस से ही हूँ मैं यही। हाँ हाँ वो तो मैं समझ गया। और तुम कहाँ से हो? लुधियाना। लुधियाना से। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मैं तो दिल्ली से। बहुत सुंदर जी जी जी। बस 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 मैं भी सुनने बैठ गया बहुत सुंदर। मैं काम धंधा छोड़ दिया मैंने, मेरे सुनो सुनने लगा मैं। जय हो। मैं जानता हूँ मैं सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर जी। नमस्ते। हाँ छोड़ा है भैया जी कहीं थैंक यू। अरे वो क्या कहीं आज गॉड ब्लेस हो बिहारी बांके बिहारी की तुम्हारे पर बहुत कृपा है प्रभु बहुत कृपा जी। जी जय जय हमारे परिवार को मिल लो एक बार। हाँ हमारे परिवार वाले जय हो जय राधे बाजी। आज अब काम वाम सब बंद हो गया बाजी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। क्या बात है। राधे 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 राधे।